वी आर स्टार्टिंग सेट. तो सेट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा रिलेशन, और फिर उसके बाद अपन फंक्शन पढ़ेंगे. तो ये सारे चैप्टर मतलब सारे पार्ट जो है आपस में इंटर रिलेटेड हैं. तो सबसे पहले अपन सेट शुरू करते हैं, ठीक है. तो सेट का जो आइडिया है वो हमने लाइक छोटी क्लासेस में, नाइन्थ में, टेंथ में भी कुछ कुछ समझ रखा है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिकैप दैट. तो सेट जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. कि अगर मैं क्लास में बोलूँ गुड स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है ना, हाईली सब्जेक्टिव. कोई बोलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर स्टूडेंट गुड है, कोई बोल सकता नहीं है. तो ये सब्जेक्टिव बात है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन ए क्लास सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है ना. तो ऐसी चीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है. अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब जो है अलग अलग हो सकता है. तो इसको हम सेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं कराएंगे, या फिर सेट में जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ऑब्जेक्ट्स अगर हम गुड स्टूडेंट को रखेंगे तो सेट की डेफिनेशन में वो फॉल नहीं करते, ठीक है ना. तो मतलब हम इसका सेट नहीं बना सकते, सेट ऑफ गुड स्टूडेंट, ठीक है. तो हमें उन चीज़ों का सेट बनाना है जो कि वेल डिफाइंड है, ठीक है. जैसे आपने नंबर्स जो हैं 1, 2, 3 जिनको हम काउंट करते हैं वो वेल डिफाइंड है. अल्फाबेट्स जो हैं अपनी इंग्लिश डिक्शनरी में, इंग्लिश में, वो भी क्या है तुम्हारे, वेल डिफाइंड है, ठीक है. तो इन सबको हम सेट की कैटेगरी में रखेंगे, और जो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है उसको हम सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. और सेट का नोटेशन कैसे होता है, कोई भी कैपिटल लेटर ले लो और उससे हम सेट को डिनोट करते हैं. सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसा कोई भी लेटर लेके हम जनरली सेट को लिखते हैं, ठीक है ना. और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नॉर्मली स्मॉल लेटर से लिखते हैं, बट ऐसा कुछ जनरल रूल नहीं है कि वही लिखना है, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है. ठीक है, तो इसके बाद हमें सेट को क्या करना है, कैसे लिख सकते हैं वो समझना है. तो दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ सेट. तो अभी अपन टाइप्स ऑफ सेट करने वाले हैं. तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला मेथड क्या है, सेट को हम कैसे लिखते हैं. सो पहला मेथड ऑफ राइटिंग सेट होता है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, या फिर हम इसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना. रोस्टर फॉर्म या तो इसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं. तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कोई भी सेट हमें लिखना है, ठीक है, तो उसको हम क्या ऐसे कॉमा लगा लगा के उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं. जैसे अगर समझो कि हमें एक सेट लिखना है जिसमें सारे वॉवल्स होने चाहिए, ठीक है ना. तो क्या करो, सारे वॉवल्स को लिख लो ए ई आई ओ यू, ठीक है. और इनको हम क्या कर देंगे, ऐसे कॉमा लगा लगा के लिख देंगे. कभी जैसे हम कॉमा लगा लगा के लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड मतलब हमने एक लिस्ट बना ली है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट उनकी एक लिस्ट बना ली है और उनको हमें कॉमा लगा लगा के लिख देना है. अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि कभी भी सेट को लिखेंगे तो उसमें कोई एंट्री रिपीट नहीं करनी चाहिए. जैसे अगर ई एक बार लिख दिया तो वापस से हम ई नहीं लिख सकते, ठीक है ना. सेट में जितनी भी एंट्रीज होंगे वो क्या होंगे, तुम्हारे यूनिक होंगे, उनमें रिपीटिशन नहीं करते हैं, ठीक है. एक बात याद रखो कि सेट में जो भी एंट्रीज हैं उनमें हमें रिपीटिशन नहीं करना है, ठीक है. तो पहला मेथड तो हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं. दूसरा क्या हो गया, तो सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूट मेथड, ठीक है ना. तो सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड में हमें क्या करना है, जैसे सेट को बनाया गया, ठीक है ना, उसके बारे में हम जो भी चीज़ कहना चाह रहे हैं उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है. तो क्या रूल है उस सेट के पीछे हमें वो समझना है. जैसे अगर मेरे को सेम एग्जांपल अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे, एक सेट ए ले लेंगे, ठीक है. यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करो, ठीक है, इसको एक्स बोल देते हैं, एक्स सच दैट एक्स, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ वॉवल, ठीक है ना. तो जो भी चीज़ हम कहना चाहते हैं उसको अगर हम वर्ड में लिखते हैं तो हम इस मेथड को क्या कहते हैं, रूल मेथड कहते हैं, ठीक है. तो इसमें ये सिंबल कोई सा भी सेट ले लो, ए ले लो, और यहाँ पे एक सिंबल डिफाइन करो या फिर वेरिएबल डिफाइन करो. उस वेरिएबल को एक्सप्लेन कर दो कि भाई वो वेरिएबल क्या है. वो वेरिएबल नेचुरल नंबर हो सकता है, वो वेरिएबल इंटीजर हो सकता है, ठीक है. तो अगर हम सेट को ऐसे लिखते हैं तो दिस मेथड ऑफ राइटिंग सेट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड. तो अपन ने ये सब चीज़ें पहले भी कर रखी हैं, बस अपन एक जस्ट रिकैप कर रहे हैं, ठीक है.
ठीक है। इसके बाद अभी तो अपन ने सेट को कैसे लिखना है उसके बेसिस पे सेट को दो पार्ट्स में हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ सेट जो है हम अलग अलग तरह से भी और डिफाइन कर सकते हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंट बेसिस जिसके लिए हम सेट को डिफाइन करें। तो पहला बेसिस जो है वो है कि उसमें कितने एंट्रीज हैं, के नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सेट क्या बनेगा, एक तो फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें एंट्रीज जो हैं वो फिक्स हैं या फिर काउंटेबल हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया सेट ए का, सेट ए में कितने एंट्रीज हैं, ए ई आई ओ यू, सो आई कैन काउंट देम 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 एंट्रीज। तो अगर एंट्रीज फिक्स हैं, ठीक है, या फिर हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। बट अगर एंट्रीज जो हैं वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हैं और उनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, देन दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट सेट। जैसे कि अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करूँ, 1 2 3 4, तो ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से भी साफ साफ यही लिखा है कि ए सेट विच हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो तुम्हारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, और जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपन को। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या डिफाइन करनी होती, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट ए। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसका काउंट जो है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो जैसे अगर सेट ए ले लिया, इसमें समझो 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3, सो द ऑर्डर ऑफ सेट ए विल बी, तो लिखते कैसे, एन ऑफ ए, ऐसा लिखेंगे, एन ऑफ ए या फिर ओ ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ सेट ए। ऑर्डर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट इज 3, राइट। तो अगर किसी सेट में एक एंट्री प्रेजेंट है तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 एंट्रीज प्रेजेंट है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर सेट में समझो कि ऐसा है, खाली है भाई, कोई एंट्री प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अगर सेट में कोई भी एंट्री नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ द सेट इज 0, कोई भी एंट्री सेट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें याद रखना है जितनी एंट्रीज प्रेजेंट है उतनी हम उसका ऑर्डर बोलेंगे। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ सेट जो डिफाइन किया है वो फाइनाइट के केस में डिफाइन किया है। कई बार हमें डाउट रहता है कि सर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो गए तो क्या उसका, उसको हम ऑर्डर इनफाइनाइट बोलेंगे, वैसा नहीं है। ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ही फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन किया है, इनफाइनाइट सेट के लिए ऑर्डर का कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं किया है। ठीक है ना, एक और बात समझ लेनी, वो क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए सेट को हम कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 3, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 0। ठीक है, ऐसे भी टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर बोलो, कार्डिनल नंबर बोलो, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट हमने सेट को फाइनाइट इनफाइनाइट कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, देन हमने उसका कार्डिनल नंबर डिसाइड कर लिया। अब कार्डिनल नंबर किसी सेट का अगर 0 है, ठीक है ना, मतलब उसमें कोई भी एंट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, या तो हम इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसका नोटेशन जो है वो क्या होता है, इसका नोटेशन जो है ऐसा, हम पाई का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड एज पाई, सो आई कैन से दिस इज पाई, और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और उसमें कुछ नहीं रखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे कुछ नहीं रखेंगे, मतलब खाली है। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे एक एग्जांपल लिया है कि सेट ए जो है वो कैसा है, उसमें एक एलिमेंट एक्स है, और एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, एक्स जो है एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो खुद के बराबर ना हो, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं 2 लूंगा तो 2 के बराबर ही होगा, 2 कैन नॉट बी नॉट इक्वल टू 2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एंट्री क्या हो जाएगा, तुम्हारा
5 हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी यू कैन क्रिएट, जैसे अगर मैंने बोला कि एक सेट बी है जहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एक्स है, एक्स इज एट एक्स, ये फॉलो करता है कि एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए 1 है, एक्स स्क्वायर हम ले लेते हैं -1 और एक्स ले लेते हैं, एक्स कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो अब हमें सेट बी के लिए एंट्री ढूंढने, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करें तो आंसर -1 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो सेट बी कैसा सेट हो जाएगा, तुम्हारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन रख दो इसके अंदर जो फुलफिल नहीं हो सकती है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे, राइट। उसके बाद क्या, इस सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट और ए नॉन वॉइड सेट। तो अगर किसी सेट में एक एंट्री बी है मिनिमम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी, मतलब वो खाली नहीं है। नॉन वॉइड मतलब उसमें वॉइड नहीं है, खालीपन नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे, राइट। देन आफ्टर दैट, अगर किसी सेट में, नेक्स्ट वन इज सिंगलटन सेट। तो किसी सेट में अगर सिंगल एंट्री प्रेजेंट है, याद रखेंगे क्या बोल रहा है, सिंगल एंट्री बोल रहा है, सिंगल एंट्री प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एक सेट लिया है उन्होंने, सेट लिया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर एक एंट्री रखी, एंट्री क्या है, ए। ए क्या हो गया, ए इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अपने सोलर सिस्टम में, अपने सोलर सिस्टम में सन जो है एक ही है, तो सन जो हो गया वो क्या हो गया, सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जिस भी सेट में एक एलिमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1, और नल सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, 0, ठीक है। तो सिंगलटन सेट और नॉन वाइट सेट में डिफरेंस क्या है, सिंगलटन सेट में एक एंट्री होना कंपलसरी है, एक ही हो सकती है। नॉन वॉइड मतलब खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, तो उसमें कितने भी एंट्री रख सकते हैं, 4 रख दिए, तो 4 एंट्रीज प्रेजेंट है, नॉन वॉइड सेट है, बट सिंगलटन नहीं है, एक एंट्री होना सिंगलटन होता है। नॉन वॉइड इज अ बिगर टर्म, ठीक है। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें जो भी चीज़ें अंडर डिस्कशन चल रही हैं वो सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अभी अंडर डिस्कशन का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं मान लो कि सोलर सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, सोलर सिस्टम में मैं प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जितने भी प्लैनेट प्रेजेंट हैं सोलर सिस्टम में वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो जाएंगे। अब उससे हम जो भी फर्दर छोटा सेट बनाना चाहते हैं वो उनसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसके सारे एंट्रीज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वोवेल्स का, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट में भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हों, ठीक है। तो ऐसा नहीं यूनिवर्सल सेट में दुनिया की सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, बट हम जो डिस्कशन कर रहे हैं एटलीस्ट वो सारी चीज़ें तो उसमें कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना पॉइंट समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट में जो चीज़ अंडर डिस्कशन है वो हमें इंक्लूड करनी है, उसके सारे एंट्रीज हमें क्या करने हैं, इंक्लूड करते हैं। यूनिवर्सल सेट को किससे लिखा जाता है, इसको इन जनरली हम यू सेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ऑल सेट्स आर कंटेन इन द यूनिवर्सल सेट। तो जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट में, उसके सारे एंट्रीज क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्यों डिफाइन किया, यूनिवर्सल सेट इसलिए डिफाइन किया कि उससे हम बनाते हैं सबसेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से क्या बनाते हैं, अपन सबसेट बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लेट ए एंड बी बी टू सेट इन द सेम यूनिवर्सल सेट यू। तो यूनिवर्सल सेट यू में दो चीज़ें बनाई गई, एक उससे सेट ए बनाया गया और एक सेट बी बनाया गया, ठीक है ना। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब के एक्स बिलोंग्स टू ए, जो भी एंट्री जो है सेट ए में प्रेजेंट है वो सारे एंट्री जो है उस सेट बी में भी मिलते हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स के जो जो एंट्री सेट ए में प्रेजेंट है वो सेट बी में भी हमको क्या होते हैं, मिलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो किससे बना है, बी से बना है, और क्या लिखेंगे, एंड वी राइट दिस एज ए। ये सी का मतलब क्या होता है, सबसेट लिखना चाह रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ
बी, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ए में चार एंट्रीज हैं 1 2 3 4, सेट बी में कितने एंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6, सेट बी जो है वो सेट ए से थोड़ा बड़ा है, तो लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि सेट बी में 1 2 3 4 है जो कि सेट ए में भी है, ठीक है। तो हम सेट ए को सेट बी की मदद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सेट ए को अगर हम सेट बी की मदद से बना सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम याद रखेंगे एक चीज होगी पेरेंट सेट, जिससे हम क्या बनाएंगे, छोटा सेट बनाएंगे, जो पेरेंट सेट होगा, ठीक है वो, और जो छोटा सेट है, तो छोटा सबसेट को हम क्या बोलेंगे, इज द छोटा सेट को हम क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ पेरेंट सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, 1 2 3 4 आर एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड दे आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो हम उसको सबसेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक बात और लिख सकते हो कि कोई भी सेट जो है, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट का तो हमेशा सबसेट हो गई, यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट है, कोई भी सेट बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट का तो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नोटेशन लाइक कुछ चीजें और हमें समझ लेनी है। फर्स्ट इम्प्लीकेशन क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब खुद का तो सबसेट हो गई, मतलब सेट ए को सेट ए से तो बनाया जा ही सकता है क्योंकि सारे एंट्रीज तो मैच करने वाले हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट जो फाई है, मतलब जो खाली सेट है, वो सारे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। पॉइंट क्लियर भी है भाई, अगर हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है, खाली रखना है, तो फिर हम उसको किसी भी सेट का सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है, खाली है वो सेट। और तीसरा क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू फॉर ऑल, ये जैसे मैंने पहले बताया कि यूनिवर्सल सेट जो है वो सबके लिए पेरेंट सेट की तरह काम करता है, तो ए जो होगा हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट समझेंगे, ए अगर बी के बराबर दे रखा है तो अगर दो सेट बराबर होते हैं तो क्या होता है, उनमें सारे एंट्रीज भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अगर सेट ए 1 2 3 है तो सेट बी भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 2 3 हो जाएगा। सो इफ ऑल एंट्रीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो हम ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट में हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मतलब पहले सेट को हम दूसरे सेट के हेल्प से बना सकते हैं या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि सेट बी को हम सेट ए से बना रहे हैं, ठीक है। तो ए अगर बी के बराबर दे रखा है तो वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी या फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर किसी ने आगे तुम्हें बता दिया कि ए जो है वो बी से बना है और साथ ही साथ बी जो है ए से बना है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि ए और बी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ए और बी अगर इक्वल दे रखा है तो यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो यहाँ से हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, ये बात सेम है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज हमें करनी है, दैट इज इक्वल सेट। दो सेट्स को हम बराबर कब बोलेंगे, तो इसके बारे में तो अभी अपन ने डिस्कशन कर ही लिया। तो अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, जो कि सेट ए के जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में है, साथ ही साथ सारे एलिमेंट ऑफ बी अगर एलिमेंट ए में सेट ए में भी हैं, तो कैसे बोल रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी या फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी। तो जैसा कि अभी अपन ने समझा वैसा ही है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि सेट ए 1 2 5 6 है और सेट बी जो है 5 6 2 1 है, तो एक जैसे, बट यहाँ पे एंट्रीज जो है उन्होंने बस ऑर्डर चेंज कर दिया, एंट्रीज को आगे पीछे करके लिख दिया है, ठीक है ना। तो सेट तुम्हारे सेम ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट कर लेंगे, वो सेम दिख रहे हैं और सारे एंट्रीज जो है वो सेम दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेट ए और सेट बी इक्वल हो जाएंगे। तो कभी इक्वल होते तो अपन कैसे लिखते, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, दो चीजें हमें डिफाइन करनी है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए जो है वो बी का सबसेट है। तो सबसेट कैसे हो सकता है कि या तो सेट ए जो है
वो बिल्कुल पेरेंट सेट जैसे ही होगा, सेट ए क्या होगा, बिल्कुल पेरेंट सेट जैसे ही होगा। जैसे सेट ए डिफाइन कर लिया मैंने 1 2 3 4, यहाँ पे वी कैन से सेट ए इज अ सबसेट ऑफ पेरेंट सेट, बट यहाँ पे सेट ए जो है वो यू सेट के क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सेट ए जो है वो पेरेंट सेट से बनाया गया बट उसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये क्या है, सेट बी जो है, सॉरी सेट बी जो है वो पेरेंट सेट से क्या है, थोड़ा छोटा है। नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर मतलब, सबसेट मतलब कि छोटा होना, प्रॉपर मतलब कि वो पेरेंट सेट से छोटा है। अब कितना छोटा है, दैट इज नॉट अवर कंसर्न, पेरेंट सेट के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेट पेरेंट सेट के बराबर हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो अगर ऐसा लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर है। लेकिन अगर उसने नीचे इक्वालिटी भी लगा दी, ठीक है, अगर लिख दिया ए सबसेट तो है बी का लेकिन नीचे इक्वल भी दे रखा है, तो यू कैन नॉट कमेंट के बराबर है कि छोटा है, ठीक है, तो बस इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सबसेट ही बोल पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं लिखता हूँ 3 > 2 और 3 > 2, यहाँ पे 3 जो है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, यहाँ पे 3 सर्टेनली 2 से बड़ा है, तो इफ यू आर सर्टेन केस ये चीज जो है वो हमेशा छोटी है, यहाँ पे सेट के केस में सेट ए जो है उससे हमेशा छोटा है, तो उसको प्रॉपर सबसेट रीड करेंगे। अगर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है, हमको नहीं पता है क्या है, तो मैं सबसेट का सिंबल ऐसे लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे इक्वल का साइन रहेगा जो हमें बताएगा कि सेट ए जो है सेट बी के बराबर भी हो सकता है, सेट ए सेट बी से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की यही डेफिनेशन है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या होगा, सेट ए छोटा होगा, तो वी विल रीड ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लिखेंगे कैसे, ए लाइक इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हमें इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट चीज पढ़नी है, वो है पावर सेट, पावर सेट। ठीक है, तो पहले अपन डेफिनेशन समझते हैं। लेट ए बी एनी सेट, एक कोई सेट ए है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट, इस पे क्या करना है अपन को, फोकस करना है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे नोटेशन क्या है, पी लगा देंगे, दैट इज पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया है सेट ए का, सेट ए में कितने एंट्रीज हैं, दो एंट्रीज हैं, एक वन है और एक टू है। वन और टू से जितने भी सबसेट बना सकते हैं वो बनाएंगे, ठीक है, वन और टू से क्या करना है, जितने भी सबसेट बना सकते हैं वो बनाएंगे और उनको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, तो सेट ए से, या तो मैं ऐसे करूँ कि भाई सेट ए का एक सबसेट बनाना है ना, तो कुछ भी एंट्री नहीं लिया, कुछ भी एंट्री नहीं लिया मतलब खाली छोड़ दिया, या तो मैंने एक ऐसा सबसेट बनाया जिसमें एक एंट्री है, तो एक एंट्री मैं दो तरह से बना सकता हूँ, या तो मैं उसमें वन रख दूँ और या तो मैं उसमें टू रख दूँ। ठीक है, एक ऐसा सबसेट बनाया जिसमें दो एंट्रीज हैं, तो या तो वन रख देंगे या तो टू रख देंगे, क्या इससे बड़ा भी कोई सबसेट बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि सेट ए में तो खाली दो ही एंट्रीज है ना। उन एंट्रीज का जो सेट बनेगा उसको अपन ऐसे करली ब्रैकेट से शो करेंगे, ठीक है, उन एंट्रीज का जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो सेट ए में जितने भी एंट्रीज हैं उनके हेल्प से तुम्हें सबसेट बनाने हैं, तो उनका जो एग्जॉस्टिव सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, मतलब उसमें सारे एंट्रीज क्या होने चाहिए, तुम्हारे प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट, सेट ए में जितने भी एंट्रीज हैं, तो ये, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ा क्लैरिटी और आए। जैसे अगर समझोगे सेट ए में 3 एंट्रीज हैं, एक वन ले लिया, एक टू ले लिया, एक थ्री ले लिया, उसका क्या बनाना है, उसका बनाना है पावर सेट। तो सिंपल सोचेंगे, पहले तो हम एक भी एंट्री ना लें, तो ये भी एक तरह का सबसेट ही है सेट ए का। फिर हम सोचेंगे कि भाई हम एक एक एंट्रीज ले लें, ठीक है, एक एक एंट्री ले लेंगे तो कितने बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है,
फिर हम सोचेंगे कि चलो दो दो एंट्रीज के सबसेट बना लेते हैं, तो दो दो एंट्रीज के अगर सबसेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 2 3 और 1 3। फिर हम एक बार सोचेंगे कि दो दो के बन गए, आप तीन तीन के बना लेते हैं, तो तीन तीन वाला तो एक ही बनेगा, दैट इज 1 2 3, राइट। तो इन सारे सबसेट का जो सेट बनाएंगे, ठीक है, मतलब सेट के अंदर एक और सेट बना दिया है, तो दैट सेट इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए। कितने एंट्रीज हैं यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर 8 एंट्रीज। तो यहाँ से एक लॉजिक भी हमें डराइव करना है कि अगर सेट ए में दो एंट्रीज हैं तो उसके पावर सेट में कितने एंट्रीज होंगे, 4, दैट इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4। अगर पेरेंट सेट में 3 एंट्रीज हैं तो उसके पावर सेट में कितने एंट्रीज होंगे, 2 क्यूब, दैट इज 8। तो नोट 3 अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यही लिखा है, इफ ए हैज एन एलिमेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज टू n, 2 की पावर n होंगे, ठीक है। तो सेट ए में अगर सोचो 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 4, दैट इज 16, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट। इतना क्लियर हो रहा है? एक सेट ए है जो फाई है, फाई मतलब नल सेट है, नल सेट मतलब एक के एकदम खाली है, ठीक है। तो खाली सेट का पावर सेट क्या होगा, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ दिस एम्प्टी सेट। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे एक सेट बना सकते हैं जो कि क्या होगा, तुम्हारा एम्प्टी रहेगा। एक सबसेट तो एम्प्टी सबसेट बना ही सकते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ना ले। और हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी सबसेट हम लिख पाएंगे उनको एक बड़े बॉक्स में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो इस पावर सेट में एक ही एंट्री प्रेजेंट होगा जो कि क्या होगा, तुम्हारा एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इसका वन ऑफ द एंट्रीज है। तो अगर तुम्हारा पेरेंट सेट जो है वो नल सेट है तो उसका जो पावर सेट होगा उसमें एक एंट्री प्रेजेंट होगा, तो उसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 0 नहीं होगा, उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो पेरेंट सेट का कार्डिनल नंबर कितना था, पेरेंट सेट का कार्डिनल नंबर था 0, लेकिन तुम्हारा जो पावर सेट बनेगा उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0 नहीं होगा, उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट उसका एक एलिमेंट है। तो सेट का एलिमेंट सेट भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेट का एलिमेंट जो है वो नंबर्स होंगे या अल्फाबेट्स होंगे, सेट के अंदर सेट खुद भी एलिमेंट हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है तुमको? तो सेकंड पॉइंट यही लिखा है, पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। कोई भी सेट हम ले लें उसका पावर सेट बनाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। समझ भी रहे हैं? अगर हमने एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें कुछ भी नहीं था तो उसके में भी एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आएगा ही। तो अगर हम ऐसा सेट लेंगे जिसमें कुछ होगा तो उसका पावर सेट जो बनेगा उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, नॉन एम्प्टी होगा वो। तो तीसरे एग्जांपल में जैसे अपन ने समझ भी लिया है कि कोई भी सेट ए में अगर एन एलिमेंट है तो उसकी पावर 2 रेज टू n हो जाएगी, ठीक है। तो 2 रेज टू n विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पावर सेट, ठीक है। तो हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। एक ये चौथा एग्जाम्पल समझेंगे। चौथे एग्जाम्पल में क्या है, एक सेट ए है जो कि फाई है, ठीक है, फाई मतलब एम्प्टी है। तो सेट ए का हमने क्या किया, पावर सेट बनाया। तो पावर सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इफ आई कैन नॉट चूज एनीथिंग तो उसको हम ऐसे शो करेंगे, पावर सेट को क्या करना होता है, एक बड़े बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, ये जो भी ये सेट आया है, जो पावर सेट आया उसका भी पावर सेट बनाना है। तो जो पावर सेट आया है हमें क्या करना है, उसका भी पावर सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई, तो उसमें एक एंट्री तो ये खुद ही हो जाएगा, ठीक है। एक एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये खुद हो जाएगा, एक एंट्री ये खुद हो जाएगा, और कॉमा एक एंट्री क्या होगा तुम्हारा, पाई होगा, ठीक है, दो एंट्रीज हो जाएंगे। या फिर इसको बेटर समझने के लिए क्या करते हैं, इसको समझने के लिए ये जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम पाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेट इसका एक हिस्सा है, ठीक है,
तो पावर सेट जब लिखेंगे तो या तो हम उसको खाली रखेंगे, ठीक है, या तो उसके पावर सेट में एक एंट्री क्या है, एक एंट्री जो है फाई है, तो फाई का हम एक सेट बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज द पावर सेट। तो यहाँ पे अगर अपन इसका वापस से करना चाहें, इसका वापस से क्या बनाना चाहें, पावर सेट बनाना चाहें, तो इसका पावर सेट क्या होगा, देखो इनिशियली देयर वर जीरो एंट्रीज, इसके पावर सेट में कितने एंट्रीज आए, 2 raised to 0 दैट इज 1, इसके पावर सेट में कितने एंट्रीज हैं, 1 है। देन इसका पावर सेट बनाया जिसमें एक एंट्री था, तो इसके पावर सेट में कितने एंट्रीज आए, 2 raised to 1 दैट इज 2, ठीक है। अब मैं इसका फिर से पावर सेट बनाने जा रहा हूँ, तो इसमें कितने एंट्रीज होंगे, 2 square होंगे, 4 एंट्रीज होंगे, कौन कौन से होंगे वो समझेंगे। एक तो हमने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, 2 एंट्रीज थे, एक भी एंट्री नहीं लिया, कॉमा लगा के लिखेंगे, फिर हम एक एक एंट्री लेंगे, तो या तो ये वाली एंट्री लेंगे या तो ये वाली एंट्री लेंगे, तो इस वाली एंट्री को लेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और ये वाली दूसरी एंट्री को लेंगे वापस से उसको एक सेट में बंद करके लिख देना है, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक ऐसा सेट बनाना पड़ेगा जिसमें ये दोनों एंट्रीज आए, ठीक है, मतलब सेट के अंदर सेट एंट्री बन रहा है, तो दोनों एंट्रीज को हमें कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा, तो एक ये सेट और एक ये सेट, ठीक है, तो ये पूरा बन गया, और कॉमा ये पावर सेट का क्लोजर कर दिया अपन ने, तो दिस इज अगेन 2 square, कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 4 हो गए, एक तो खाली सेट हो गया और ये 3 और ये हो गए, तो ये क्लियर हो रहा है, पहले मैं 0 एंट्री, एक इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, तो ऐसा सवाल आ चुका है, ठीक है, जिसमें पावर सेट ऑफ 5 बनाना होता है और हमको लगता है आंसर 1 होगा या 0 होगा, तो सेट के अंदर सेट बनता जाएगा, और जैसे हम नॉर्मली काउंट करते आए हैं कि पेरेंट सेट में अगर एक एलिमेंट होगा तो उसके पावर सेट में 2 हो जाएंगे, पेरेंट सेट में अगर 2 एलिमेंट होंगे तो उसके पावर सेट में 4 हो जाएंगे, सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, बस ये लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर 1, 2, 3 नंबर्स भी होते तो हम इजीली लिख लेते, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 की जगह उसने एम्प्टी सेट दे दिया, 5 दे दिया है, तो लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट 5 को भी तुम ऐसे सोचो 1 लिखा है, ठीक है, फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो 5 की जगह क्या सोचेंगे, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 का सबसेट कैसे बनाएंगे वही सोचना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है तुम लोग को ये। देखो इसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज पढ़नी वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, दो चीजें हैं ध्यान से समझेंगे, एक इक्विवेलेंट सेट है और एक क्या है तुम्हारा, इक्वल सेट है। ऐसा सोचने से लगता है कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट सेम ही चीजें होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, 2 फाइनाइट सेट, वापस से याद रखेंगे, फाइनाइट सेट की बात चल रही है, इनफाइनाइट सेट की बात नहीं चल रही है, 2 फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे कब, जब उनके कार्डिनल नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, कार्डिनल नंबर सेम होंगे। सेट ए में 4 एंट्रीज हैं, 1, 3, 5, 7, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। सेट बी में 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इसका कार्डिनल नंबर 4 है। अगर 2 सेट के कार्डिनल नंबर बराबर हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। बट इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फर्क है, इक्वल सेट में सारे एंट्रीज क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एंट्रीज जो है वो देख रहे हैं हम क्या है, अलग अलग हैं, तो एंट्रीज अलग अलग हो गए तो हम उनको इक्विवेलेंट सेट नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इक्वल मतलब एंट्रीज अगर अलग अलग हुए तो हम उसको इक्वल सेट नहीं बोल पाएंगे, तो इक्वल सेट को हम कैसे लिखते हैं, इक्वल सेट को लिखते अपन A इज इक्वल टू B, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेट तुम्हारे बराबर हैं, ठीक है, सेट बराबर है मतलब उसकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी, राइट। यहाँ पे एक रिमार्क है वो क्या है, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल, तो क्या बोल रहा है, जितने भी इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे, ये बात तो ठीक भी है कि अगर ए और बी के सारे एंट्रीज बराबर हैं तो हम ये तो इम्प्लाई कभी भी कर ही सकते ना कि भाई नंबर ऑफ एंट्रीज
इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज इन सेट बी, ठीक है। तो सेट अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन उल्टा है तो बस बता रखा है कि दोनों में चार चार एंट्रीज हैं तो इक्विवेलेंट तो है, बट क्या इक्वल हम बोल पाएंगे? नहीं, इक्विवेलेंट सेट को इक्वल बोलना सही नहीं है, क्योंकि वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जब तक हमें ये इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि उसके अंदर वाली एंट्रीज तुम्हारी क्या हैं, तब तक हम इक्विवेलेंट सेट को इक्वल नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ध्यान देखेंगे, ध्यान लगाएंगे क्या दे रखा है, मे नॉट, मे नॉट मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसी कोई श्योरिटी हमको नहीं है, ठीक है। तो इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर। जैसे इस वाले एग्जांपल में उन्होंने क्या बोला है, ए और बी बराबर नहीं है, ऑल्दो दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट तो है बट ये इक्वल नहीं, क्लियर हो रहा है पॉइंट। सो ये इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में तुम्हारा डिफरेंस है, ठीक है। देन इसके बाद एक और चीज करनी वो है कंपेरेबल सेट, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट दे रखे हैं उनको हम कंपेयर कब कर पाएंगे? तो चीजों को हम कंपेयर तब कर पाएंगे जब वो एक जैसे हों। जैसे हम बोलते हैं ना कि एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे दो सेट को हम कंपेयर तब कर पाएंगे जब वो एक जैसे हों। ऐसा नहीं कि एक तो सेट ऑफ अल्फाबेट दे रखा है और एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे हम एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए क्या चीज जरूरी है कि अगर दो सेट कंपेरेबल हैं तो या तो पहले सेट को दूसरे सेट से बनाया गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और या तो उल्टा है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर एक पेरेंट सेट है, एक उसका सबसेट है, तो वो आपस में क्या है, वो दोनों आपस में कंपेरेबल हैं, लेकिन दो डिस्टिंक्ट चीजें दे रखी हैं, उन मतलब अलग अलग हैं, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, देन इफ नाइदर ऑफ द रिलेशन इज फॉलोड, ठीक है, कोई भी किसी से नहीं बनाया गया, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, नॉन कंपेरेबल बोलेंगे। तो कंपेरेबल बोलने का एक और मतलब हम निकाल सकते हैं कि सेट जो हैं वो कैसे हैं, वन ऑफ द सेट विल बी द सबसेट ऑफ द अदर, ठीक है। कंपेरेबल बोलने का एक और मीनिंग क्या दिमाग में रखना है, वन ऑफ द सेट इज द सबसेट ऑफ द अदर, ठीक है। तो अगर हमें इतनी पिक्चर क्लियर है तो हमें समझ में आ जाएगा। तो कई बार सबसेट बोलने का तरीका अगर हम बदलना चाहें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई सेट ए इज कंपेरेबल टू सेट बी, इसका मतलब ये है सवाल में दे रखा है कि आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्लियर यहाँ तक पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेरेबल। यहाँ पे एक सवाल है, वो क्या है कि अगर सेट ए में समझो ए बी सी है, ठीक है, और सेट बी में सी डी ई है, तो क्या ए और बी कंपेरेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ए और बी में एंट्रीज क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, तो नाइदर का केस है। तो अगर ऐसा केस बना तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज नॉन कंपेरेबल, कंपेयर नहीं कर पाएंगे भाई, सबसेट नहीं है, ठीक है, तो ऐसा मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट में अगली चीज जो पढ़नी, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो है वो ज्यादातर लोग के लिए एक नई चीज होगी, पहले शायद बहुत सारे लोगों ने ये नहीं किया होगा, ठीक है। तो दो सेट को हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं क्या? देखो सेट में और ऑपरेशन हमको आते हैं, जैसे दो सेट का अगर मेरे को यूनियन लेना है तो कैसे लेंगे, ये ज्यादातर लोग को पता होगा, ठीक है। दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है कैसे लेंगे, ये भी ज्यादातर लोग को पता होगा। बट अगर दो सेट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करा सकते हैं, ठीक है। इवन सेट में ए प्लस बी का ऑपरेशन, ए माइनस बी का ऑपरेशन भी डिफाइन करते हैं। इसमें सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एंट्रीज होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यूनियन डिफाइंड है, इंटरसेक्शन डिफाइंड है, डिफरेंस ऑफ द सेट डिफाइंड है, तो क्या सेट में मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट भी डिफाइंड होता है क्या?
तो इस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया गया, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन मतलब जैसे कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, वैसे ही कुछ मीनिंग यहाँ पे हमारे सामने निकल के आएगा, ठीक है। तो समझेंगे, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी कोई भी ऐसे सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है, एटलीस्ट एक एंट्री तो है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, ठीक है, हमें क्या बनाना है यहाँ पे, ए कॉमा बी के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। अब ये स्मॉल ए स्मॉल बी है क्या, स्मॉल ए एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए के, और स्मॉल बी जो है वो एलिमेंट है किसका, सेट बी का। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हम बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी हम बोलेंगे। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जैसे अपन ने रूल मेथड क्या है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं ए बी के, जहाँ पे ए कहाँ से वैल्यू लेगा, वो सेट ए से वैल्यू लेगा, बी कहाँ से वैल्यू लेगा, बी सेट बी से वैल्यू लेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या लिखा है, अगर सेट ए फाई है और सेट बी भी फाई है, दोनों एम्प्टी सेट हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या डिफाइन किया है, हमने फाई डिफाइन किया है। तो अगर नॉन एम्प्टी होंगे तो फाई नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे सेट ए और सेट बी नॉन एम्प्टी हैं। तो सेट ए लिया ए बी सी और सेट बी लिया मैंने पी क्यू, हमें क्या कराना है, ए क्रॉस बी कराना है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर ए बी बनाना है, मतलब हमें इनके एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बना पाएंगे, तो सबसे पहले याद रखेंगे जो सेट पहले लिखा है तो पहली एंट्री हमेशा उसी सेट की आएगी, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी, सेट ए से ही आएगी। अब कैसे बनाएंगे, ए क्रॉस बी मतलब कि ए का पहले इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर ए का जो है अपन दूसरे वाले के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहला एंट्री देखो क्या है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, क्या लिखेंगे, ए कॉमा पी, मतलब ए और पी का पहला ऑर्डर्ड पेयर, फिर ए का टू के साथ, दैट इज सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। पहली एंट्री सेट ए की रहेगी, दूसरी एंट्री किसकी रहेगी, सेट बी की, हमेशा यही होगा। देन क्या बना सकते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते सारे बनाएंगे, फिर बी का किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, एक बार क्यू के पी के साथ, बी का एक बार किसके साथ बना सकते हैं, क्यू के साथ। तो बी पी एंड बी क्यू दो बनेंगे, ऐसे सी का ऑर्डर्ड पेयर पी के साथ बना सकते हैं और सी का ऑर्डर्ड पेयर में क्यू के साथ बना सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, सी कॉमा क्यू। तो हमें पेयर बनाने हैं और पेयर को कॉमा लगा के लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, मतलब क्या है कि बी में समझो कि यहाँ पे पहला जो एंट्री आएगा वो सेट बी का आएगा, ध्यान से देखेंगे सब में पहले क्या लिखा है, सेट बी का एंट्री लिखा है। तो उल्टा करना है, इस बार क्या करेंगे, पी की मैचिंग जो है या पी की मैपिंग जो है वो पहले ए के साथ कराएंगे, फिर बी के साथ कराएंगे, फिर सी के साथ कराएंगे। तो जो पहले लिखा होता है ऑर्डर्ड पेयर में उसके एंट्रीज पहले लिखते हैं, तो बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी लाइक सी कॉमा सी। साथ ही साथ सेकंड क्या है, क्यू, तो क्यू का पहले ए के साथ मैपिंग, फिर क्यू का बी के साथ मैपिंग, फिर क्यू का सी के साथ मैपिंग, तो ऐसे छह ये बनेंगे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो तो सेम होंगे, बट ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है इतना पॉइंट, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो और कुछ ले लेते हैं। ये समझो कि सेट ए में 1 2 दो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में समझो ए और बी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ए बी है, वो नाम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे को ए क्रॉस बी लिखना है तो सिंपल है, हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने, तो पहले वन का मैपिंग इसके सारे एलिमेंट से कराएंगे, तो पहले ए के साथ कराता हूँ, फिर किसके साथ कराते हैं, फिर अपन बी के साथ कराते हैं। साथ ही साथ टू इज अ सेकेंड एलिमेंट, टू का मैपिंग भी सबके साथ कराएंगे, तो टू कॉमा ए लिखेंगे और टू कॉमा बी लिखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर में लिखना है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग होते हैं, तो बी क्रॉस ए कराना है मतलब उल्टा करना है।
तो पहले सेट वी के एंट्रीज आएंगे, तो ए की मैपिंग पहले वन से होगी, फिर ए की मैपिंग इससे होगी टू से, तो ए कॉमा वन ए कॉमा टू, साथ ही साथ बी की मैपिंग पहले वन से होगी फिर बी की मैपिंग टू से, तो बी कॉमा वन और बी कॉमा टू। तो ऐसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो होपफुली तुमको क्लियर हो गया होगा, हमें बस एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दूसरे सेट में मैपिंग ढूंढने हैं और उनको ऑर्डर्ड पेयर में बंद करके लिख देना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।